बस जिस भी जगह पे हूँ ये बहुत खतरनाक एरिया लग रहा है मुझे। देखो इसमें अगर अपने पास हिमालयन होती तो इस छोर से उस छोर तक जाने में टाइम ही नहीं लगता। रोड में आप बाइक की जो है क्लच लेके छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक देख लो कितने की स्पीड मेंटेन रखती है। 55। बस लुक एट द व्यू मैन, कभी ये जगह डरावना लग जा रहा है, कभी कभी सुंदर लग रहा है। अभी जैसे अभी तक एक पेट्रोल पंप नहीं दिखा। के बीच में एक पता नहीं किस चीज़ का छोटा सा स्टॉप बनाया गया है, सर टोल लेते हैं ये लोग। बट ये रोड पे क्या टोल लेंगे, ऐसे घटिया रोड का भी टोल लगता है क्या? सिंगल रोड है, अच्छा है नहीं, फिर भी टोल। खैर इनका अपना कुछ पर्पस होगा, ये गांव वाले लोग लोकल टोल लेते हैं, ये कोई गवर्नमेंट या फिर NHAI नहीं लेती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इधर धान की खेती, धान है कि गेहूँ है, आई डोंट नो, धान ही लग रहा है, गेहूँ तो नहीं होगा। और इधर देख लो गाइस, पूरा वहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इधर तक पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर भी छोटे छोटे मंदिर है कि घर है, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल पा रहा है, बट जो भी है। और मैक्सिमम पहाड़ों पे जो है वो मंदिर ही होते हैं, क्योंकि घर वहाँ रखना पॉसिबल है नहीं, जीवन यापन में दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा डेली लाइफ जीने में। सामान, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, 10 चीज़ें होती है, ग्रॉसरीज। चलो बढ़ते हैं आगे। ओ तेरी भाई, ये क्या, ये रेत में पानी, ये पूरा सूखा सूखा रेत में पानी, अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये कुछ बैचिंग प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री का क्रशर है, पता नहीं, बट जो भी है। ये क्या, गेल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे कुछ है, गेल वालों का ही बैचिंग प्लांट तो नहीं है, मे बी। भाई साहब ये जगह को ऐसे जंगल मत देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और नहीं है तो फिर सीधा झोंपड़ी वाले घर हैं। ये देखो इसमें अगर अपने पास हिमालयन होती तो इस छोर से उस छोर तक जाने में टाइम ही नहीं लगता, मस्त ड्रोन उड़ाते ऊपर से और चलते चले जाते। क्या व्यू आता भाई, क्या जगह है यार, मतलब कि टिहरी की याद आ गई मुझे, टिहरी देहरादून में ये हम लोग रहते थे, तो मैं तो बहुत छोटा था, बट ऐसा ऐसा सिस्टम वहां पर भी हुआ करता था, पूरा पहाड़। ये देखो ये एकदम रोड जो है नीचे जा रही है, मतलब इस रोड में आप बाइक की जो है क्लच लेके छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक देख लो कितने की स्पीड मेंटेन रखी है अभी मेरे, 55 54। धीरे धीरे स्लो हो रही है क्योंकि मैंने जो है पीछे वाला ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया था, मुझे एक यहाँ पर ब्रेकर दिख गया था। ओ तेरी भाई साहब, क्या है ये, कौन सी जगह है ये, जगह का नाम नहीं पता। यहाँ पर कोई मंदिर है, बहुत अच्छा भव्य मंदिर लग रहा है, जय भगवान। और ये वही कोई नदी रिवर भाई, अभी ऐसा लग रहा है ना कि झारखंड आ गया हूँ, देवघर उसरी साइड, उसरी जो वाटरफॉल हम लोग गए थे घूमने, अपने वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से जाके चेक कर लें, बिहार टू झारखंड सीरीज में मिल जाएगा आपको। देखो बहुत स्कोप है भाई, जो लोग यहाँ के लोकल है ना वो तो मतलब ये पत्थर वत्थर रबल बेच के राजा हो जा रहे हैं, पहाड़ खोद खोद के राजा हो जा रहे होंगे। दिख रहा है ये रोड देख लो, एक कदम से ऐसे और फिर एक कदम से ऐसे, मतलब ये क्या सिस्टम है, क्यों है नहीं पता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव करने के लिए ऐसे रोड बनाई गई है, उतना कितना फीलिंग होगा, कितना कटिंग होगा। गाइस देख लीजिए, बगेड़ी नदी जिसमें पानी भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सेमल खेड़ा कोई गांव है, और यहाँ पे गांव के जस्ट पीछे ये देख लो लंबा सा पहाड़ है, बड़ा सा एकदम।
था इधर। ठीक ठाक अब रोड मिलने लगा है गाइस। वो जो पैच था ना भाई 50-60 किलोमीटर का, बहुत गंदा था, बहुत गंदा। तो से निकला अब जाके सांस आना शुरू हुआ है। तब इमेजिन करो कि आप चल रहे हो बीच जंगल में, रोड के दोनों साइड जंगल है और आपके राइट में भी पहाड़ नजदीक में और लेफ्ट में, समझ लो क्या मतलब मंजर है। और ना आपको एक आदमी दिख रहा होगा अभी रोड पे, ना एक गाड़ी, ना कुछ। अभी देखो अभी एक अंकल दिखे, और यहाँ के घर अभी भी पुराने स्टाइल वाले हैं, मिट्टी के घर, ऊपर खपड़े रखे हुए। यहाँ के लिए अगर छत वत का घर किसी का है तो बहुत बढ़िया है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, प्लास्टर हुआ हो या हुआ हो। अब ये यहाँ का महल है दिख रहा है ओ भाई साहब, कौन सी जगह है ये? चलो कोई भी जगह हो, अपने को तो अहमदाबाद जाना है। देख लो भाई, जो गांव में बता रहा था ना पिछले वीडियोस में, आपने सुना होगा कि जहाँ पे बाइक देख के लोग चिहा जाते हैं, अभी भी वहाँ पे जीवन यापन जो है रोड पे ही है। घर भी वैसे ही पुराने डिजाइन के, सब मिट्टी विट्टी इसके। तो यही गांव है, बस डिफरेंस यही है कि अब कुछ दिन में यहाँ पे लाइट आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पोल वोल दिख रहा है, उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। देखो आगे स्कूल है, चलो अच्छा है, यहाँ स्कूल भी है। मतलब बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से लोग रहते हैं यहाँ पे, कम साधन में और बस अपना जीवन यापन निकाल रहे हैं। ये है कि यहाँ के लोगों के पास जमीन बहुत है, बट जमीन कई लोग करेंगे भी क्या, यहाँ पर लोग खरीदने वाला भी नहीं है, समझ रहे हो ना आप? यहाँ कौन आके जमीन लेगा, वही वाली बात है। तो भाई जितना आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, उतना छोटे छोटे बच्चे दिखते जा रहे हैं बाइक पे, और वो मस्त ऐसे पास देखेगा। अच्छा अच्छा स्कूल जो बोर्ड लगा था वो यहाँ है, अब समझा कि छोटे बच्चे क्यों दिख रहे हैं बाइक पे। वो तो सब आए हुए थे ये लड़कियों को देखने, दिख रहा है ये गर्ल्स स्कूल है, बट यहाँ पे लड़के जो है बाइक लेके आते हैं, मतलब कोई करने, मतलब हर जगह ये सिस्टम है, हर जगह सिस्टम है। चलो कोई, जस्ट लुक एट द व्यू मैन। कभी कभी ये जगह डरावना लग जा रहा है, कभी कभी सुंदर लग रहा है। अभी जैसे सुंदर लगा तो मैंने कैमरा ऑन करा, इसके पहले डरावना लग रहा था, तो मेरा मन था कि कितना जल्दी ये जगह से निकलूं, पता नहीं कब अपनी मंजिल आएगी। वैसे एक बात मैं बता दूं, ये रोड में आप लोग बिल्कुल मत घुसना अगर अहमदाबाद जाना हो तो, हाईवे हाईवे चले जाना यार। ये एक तो शॉर्ट भी नहीं पड़ता है, ऊपर से इसमें अभी तक एक पेट्रोल पंप नहीं दिखा। सोचो मैं 100 किलोमीटर चल गया, अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो अभी तो अपने एल लग जाने थे ना, और ना ही कोई मार्केट भी पड़ रहा है कि कहीं से लोकल पेट्रोल ले। ये लोग कैसे यहाँ की गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सोचने वाली बात है। पेट्रोल पंप किधर है, क्या है क्या नहीं है, सिस्टम सब किसी से पूछना पड़ेगा। वैसे तो अभी अपने बाइक में है, 360 का रेंज है, मतलब ठीक ठाक चली जाएगी, बट फिर भी ये एक चीज है जो कि एक बाइकर को पता होनी चाहिए, और एक बाइकर को दूसरे बाइकर को शेयर भी करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे पता है, तो मैं बता दूंगा, जो भी लोग यहाँ से जाएंगे वो सावधानी से जाएंगे, टैंक फुल होना चाहिए, जेरिकेन है तो अच्छी बात है, उसमें फुल कर लो पेट्रोल। देख लो यार ये क्या खतरनाक मोड़ है, इधर भी पहाड़, ये नजदीक पहाड़ देखो यार मतलब, और यहाँ से जो है वो टर्न है। ये लोगों के तगड़े रिएक्शन जो लोग देख रहे हैं ना, एक बार ओए होए होए होए, ये क्या ही चीज है भाई, कहीं इसी चीज के लिए तो मुझे नहीं आना था। ओ तेरी भाई साहब, क्या मजा आ रहा है इस जगह पे। ओ जब ऐसे रास्ते मिले ना आपको,
चलने के लिए, तो समझ लेना कि मजा आने वाला है। ये आप लोगों को अगर पूरा दिख रहा हो तो ये बीच में रोड है एकदम, इतनी पतली सी रोड, एक साइड भी पेड़, रोड के एक साइड भी पेड़। क्या मजा आ रहा है एकदम। इधर अगर पूरा देखे तो पूरा शॉर्टेड है पहाड़ से एकदम, वहां से लेके वहां तक। यहीं पे काका मस्त बैठ के अपनी एल्कोहल वाली ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये कैसा मुंह आने वाला है एकदम, जिगजैग जिगजैग यहाँ पे टर्निंग आने वाला है। लाइक ये देखा, अब जो होगी वो इस साइड होगी। मजा आ गयो। एक छोटा सा तो ये देख लो, कितना रोड पे आ रहा। ये देख लो गाइज, ये बड़े बड़े पहाड़। ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये मैं कौन से जगह पे हूँ, बस जिस भी जगह पे हूँ ये बहुत खतरनाक एरिया लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सिंगल में ही दिख रहा हूँ। चलो एक गाड़ी तो दिखी। ओ भाई साहब, इस जगह पे तो रुक के एक फोटो लेना बनता है। जो भी करेंगे फटाफट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं।